अब ये थे हमारे स्कूल का नर्सिंग से पंजाब का रिजल्ट। अब मैं स्पेशल ख्याल के लिए दावत देता हूँ इफ्तिखार अहमद गिलानी साहब को। मौजूद मेहमानान गिरामी, अजीज तलबा, असादा कराम और ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, इन सब को मैं खुशामदीद कहता हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज में जिस प्रोग्राम को तरतीब दिया सब कुछ आया है। खासतौर पर दिलदार जिसने ये फिजिकल माहौल भी बनाया और नेचुरल माहौल भी बनाया, ये वाकई ताज का मुस्तहिक है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में महफिलों में ये चीज़ बना देना, एक माहौल बना देना, कहने के लिए तो आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। काबिल इज्जत होते हैं वो लोग जो किसी को इज्जत देते हैं। तो आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी, मुझे जो मकाम दिया, जो बुलाया, इसका मैं जिस भी शब रोज से शुक्र अदा करूँ बहुत नामुमकिन है। पर आज आना कहूँगा आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम खासतौर पे तुलबा के लिए था और वो तमाम तुलबा क्लास अव्वल से लेके क्लास फाइव तक के तमाम तुलबा आपने एक स्टेप जो है आगे प्रमोशन लिया है, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि आप एक सीढ़ी से दूसरी पे आ गए हैं तो इसका मतलब है आप आलमगीर की तरफ हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, मेरी दुआएं आपके साथ। और खासतौर पे आप बच्चों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत सफर किया, तहमल किया, बैठे रहे, सुनते रहे, इतनी देर इतने छोटे बच्चे जो है इंतजार नहीं कर सकते। मेरे अपने स्कूल कैंपों के बच्चे वो तो बहुत तंग करते हैं, आपने कोई तंग भी नहीं किया, मुझे इस बात पे भी खुशी है। आखिर में जो है मैं आपको एक लतीफा जो है अपनी सरायकी जबान में, क्योंकि मैं खुद सरायकी हूँ, देहाती आदमी हूँ, तो देहात से आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों को भी एक लतीफा जो है वो सरायकी में सुनाता जाऊँ। आपको सरायकी आती है तो मैं सुनाऊँ, आपको नहीं आती तो फिर मैं आपको उर्दू में सुना दे। आती है? अच्छा। एक अपना बहरा होता है जिसको सरायकी में कहते हैं दूरा, मतलब सुन नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, एक आदमी होता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ वो होता है। तो दोनों जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो ओ वाले वो टूए होते तो सुनते तो तुम्हें कह रहे हैं ओ वाले वाले काका सलाम अलैकुम बग मुल्तान में दाबिया ओ अरे अच्छा यार मैं अभी शायद मुल्तान में ना पे वो के हाँ मैं मुल्तान में ना यार वो कहीं कहीं की पता ना लगा। पुराने वेले दे विच आपने बापे हो ने ना बुड्ढे जीवे ने जिवें हुण मेरे कोल इह कहे ना के ये पतले शीशा लिया ना के अपने देहात दे लोग होने उन्हां कोल मोटी ऐनक होंदी है पर हाथ दे छोटी भी होंदी है, पर वेलन वाले छोटी पुतल ले लेने ने दी सौ ना छोटी जवाब छोटी मारी समझ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਲ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਡਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ बहुत शुक्रिया कि सर आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए बहुत शुक्रिया अब ये बच्चे बैठ रहेंगे तो आपने ऊपर चले जाना है ऊपर चले आएंगे ना आपको मेडल देंगे फिर आप अपना रिजल्ट कार्ड लेके जाना सर मेडल भी लेके जाना मेडल भी लेके जाना और आप से खामोशी के साथ ये मेहमान चले जाएंगे आपने लाइन बना कर صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم